ये कहानी है एक गांव की, जहां बहुत अमीर लोग रहते थे और उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां थीं। उसी गांव में एक संतोष नाम का गरीब सपेरा अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन संतोष अपने बेटे को लेकर मार्केट जा रहा था, तो उसके बेटे ने महंगी गाड़ी में बैठने की जिद की, तो संतोष उसे बहला फुसला कर मार्केट ले गया और हाथी वाला खिलौना दिलाया, जिसे देख पप्पू खुश हो गया। घर आकर पप्पू अपने पापा से कहता है कि हाथी छोटा है, अगर ये बड़ा हाथी होता तो मैं उस पर बैठकर पूरा गांव घूमता। तभी वो हाथी अचानक से बड़ा हो जाता है और ये दोनों डर जाते हैं और बाद में इन्हें लगता है कि ये कोई जादुई हाथी है। अगले दिन पप्पू हाथी के खिलौने पर बैठकर पूरा गांव घूमता है और गांव वाले उसे देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी। उसी गांव में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे जो कि भूतों को पकड़ते थे। जब पप्पू घर जा रहा था तो महात्मा उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई जादुई खिलौना नहीं है, ये एक चुड़ैल है जो इस खिलौने के अंदर कैद है। बाबा पप्पू के पास जाकर सारी बात बताते हैं और उस चुड़ैल को उस खिलौने से आज़ाद कर देते हैं।